मम्मी को फौजी लेके चला गया इसलिए पापा ने जहर खाया। हाँ, फौजी वही मम्मी को ले गया। जब विजय राघव फौजी गांव दशहरी से और मेरी बीबी दोनों मिलकर फंसा रहे हैं और मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं और जो है मेरे मरने के बाद मेरी मौत के कारण यही दोनों सदस्य होंगे और मैं जहर खा करके आत्महत्या कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पर कल सुबह से एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक व्यक्ति कहता है कि मेरी पत्नी और उसका प्रेमी जो फौज में बीएसएफ में है वो दोनों मेरी मौत के जिम्मेदार होंगे। उस व्यक्ति का आज शव यहाँ पर पड़ा हुआ है। जो परिजन है रो रो कर बुरा हाल है, मगर जो पत्नी है चार बच्चों को छोड़कर यहाँ से वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो चुकी है। मैं इस वक्त बुलंदशहर के ब्लॉक खुर्जा के गाँव टैना गौसपुर में मौजूद हूँ। मरने से पहले जब उसे वीडियो भेजा गया, वीडियो देखने के बाद में भी उसका दिल नहीं पसीजा। उसने कहा कि किसी तरह से अपने घर आ जाओ, जो भी हुआ मैं सब भुला दूंगा। मगर उसके बावजूद भी जो पत्नी है उसे सिर्फ प्रेमी दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है। उनके भाई यहाँ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? आपके भाई की मौत हो गई, हमें बड़ा दुख है। प्रधान जी आप बता दीजिए थोड़ा। राम कुमार जी, हालात इस तरह के हैं, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कितनी उम्र होगी इनकी जो खत्म हुए हैं? 32 साल। क्या थोड़ा मामला है जो वीडियो वायरल हो रहा है, काफी दूर दूर तक वीडियो जा रहा है? हाँ, क्या था जो उसने बयान दिया है वो हकीकत सच्चाई वही है, बस कुछ भी नहीं है, वही है सच्चाई है। कितने दिन से प्रेम प्रसंग चल रहा था, घर पे आता जाता था फौजी? ये तो हम नहीं कह सकते, हम लोग नहीं देखा, ये उसी ने देखा है, वो ड्यूटी से आता है पता नहीं। हो सकता बाद में आता भी हो, मगर वो तो बेचारा ड्यूटी करता था नोएडा, उसके बाद में अगर आते हो बाद में आता था। जो क्या नाम था, सोमदत्त जो बात यहाँ तक जब खत्म हुए हैं, क्या नाम है इनका? संदीप सोलंकी। कितनी उम्र है इनकी? 35 साल। तो जो ये संदीप हैं ये नौकरी करते थे नोएडा? हाँ, नोएडा। अच्छा अच्छा, ये भाई हैं वो सबसे बड़े हैं, ये उनसे छोटे हैं दूसरे। FIR दर्ज कर दिया आपने? हाँ, हो गई। ये जो इनकी पत्नी है इनके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे क्या हुआ है जिनकी वजह से? देखो, ये हमें पत्नी के बारे में दहेज कोई वो नहीं, हमें तो ये मालूम पड़ी कि वो एक घर में से भाग गई है। और भैया किसके साथ भागी है? ये कोई फौजी है वो, उसके साथ वो, उसने बयान भी है का वीडियो बना के, जो हकीकत है, जो वीडियो है, जो उसने वीडियो में बनाया वो ही है सच्चाई है, और बाकी का कुछ और कुछ नहीं सच्चाई। जो वीडियो बनी है वो ही है, जो मरने वाला आदमी है वो बना के गया है, मरने से पहले बयान दिए, सारा वीडियो है, वीडियो है, दिखाओ वीडियो। जो वीडियो, हाँ, सोशल मीडिया पर वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे कि मरने से पहले किस तरह से उन्होंने अपना वीडियो बनाया। और वीडियो बनाकर ये बताया जा रहा है कि अपनी पत्नी के व्हाट्सएप पे उसे सेंड किया था कि इस वीडियो को देखने के बाद में हो सकता है कि उसका जो कलेजा है वो पसी जाए। दिखाओ थोड़ा पास में आके, दिखाई दे रहा है? देखो ये वीडियो, वीडियो में साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि हो सकता है पत्नी घर से निकल चुकी थी और पत्नी को बुलाने के लिए हो सकता है कि वीडियो कामगार हो जाए और वीडियो देखने के बाद में डर जाए या उसका कलेजा पसीज जाए और वो वापस घर आ जाए। वीडियो अपनी पत्नी को भेजा था बता रहे हैं? हाँ, वो उसने पत्नी को भी भेजा कही है। ये हमें जानकारी मिला, हमें तो उसके बाद में मोबाइल मिला, वो देखा है मोबाइल देखने के बाद में जो भी है वो हमें तो। कितने दिन पहले घर से गई थी ये बालक बताएंगे, हमें तो त्योहारन पे पता लगी है कि वो घर से चली गई है। अच्छा, तो यानी दीपावली से पहले ही चली गई? दीपावली से पहले चली गई है। कितने बच्चे हैं? चार बच्चे हैं जी, दो बच्चे लेके चली गई है साथ और दो बच्चे छोड़ गई है। दो बच्चे साथ लेकर चली? हाँ जी। अच्छा प्रधान जी, थोड़ा सा एक आपसे बात करूँगा। बताते हैं कि माँ और बेटे में भी तकरार होती रही है कि जो फौजी है वो घर में आता था, जो बेटा है वो उसके ऐतराज उठाता था। बेटे को ही पता है, जो भी कुछ कहानी है बेटे को पता है, और बेटे के इसी बात को लेकर बेटे में और माँ बेटे में दोनों तकरार हुई है। यहाँ तक तो हमें पता है, इसके आगे का हमें पता नहीं क्या कहानी हुई है क्या कहानी नहीं हुई। प्रेमी के साथ गई है ये बात तो सच है? ये बात सच है, इसमें रिपोर्ट में भी आ गया है सच है। उसने वीडियो में खुद नाम बताए हैं, इसीलिए वो बस सच है। परिवार अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि हम पूरे परिवार से बात कर सकें,
दो बच्चों को वो छोड़कर यहाँ पर गई है और दो बच्चों को साथ लेकर गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मैं आपको दिखा सकता हूँ तस्वीरों में किस तरह से, क्योंकि अभी संदीप की उम्र ज़्यादा भी नहीं थी, 36 साल उम्र बताई जा रही है। नोएडा में नौकरी करते थे, मासूम से चार बच्चे, बच्चों का भी उस महिला को, ये वाली बच्ची है, ये बच्चे हैं छोटी है। ये देखिए कोई बात नहीं, ये बिटिया उनकी है। ऐसे माहौल में हम ज़्यादा बात भी नहीं कर पाएंगे, किससे हम बात करें, क्या दिखाएं। हालात जो है बेहद, क्या मान के चल रहे हैं आप इसी गांव के में, क्या मान के चल रहे हैं? मुझे जानकारी नहीं। बेटा बेटा क्या हुआ, कौन? मेरी मम्मी ने मरवाए मेरा पापा, और फौजी ने मरवा दिए मेरा पापा। फौजी घर आता था? आता था यहाँ पे, आता था। हाँ। अच्छा, तुम्हारे भाई से झगड़ा क्यों हुआ था मम्मी का? फोन के चक्कर में। हाँ। कि वो फौजी ने क्या कहा, मैं मम्मी को लेके चला गया, पापा ने जहर खा लिया, पापा मर गए। मम्मी को फौजी लेके चला गया इसलिए पापा ने जहर खाया? हाँ, फौजी वही मम्मी को ले गया। चलो आ जाओ। फौजी के साथ में जो इन बच्चों की माँ है वो चली गई। खैर, फिलहाल वो दोनों फरार हैं और आज यहाँ पर संदीप का अंतिम संस्कार हो रहा है।